बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है भाई, रोज़ वीडियो लगा देते हैं इस चीज़ के ऊपर, और रोज़ या भाई कमेंट कर देते हैं कि भाई अब रेट तो बढ़ नहीं रहा है, या रेट बढ़ नहीं रहा है। मैं रोज़ रेट बता देता हूँ, लेकिन अभी इस वीडियो में एक चीज़ आपको बताऊँगा मैं। वो क्या है कि मैं एक, आपको पता है कि हमारी हर जुमेरात को एक वीडियो आती है जिसमें हम थोड़ी तफसील से बात कर लेते हैं कि भाई, यानी कि इस वीडियो के 2-3 घंटे के बाद वो वीडियो आएगी कि उसमें थोड़ी तफसील से बात कर लेते हैं कि भाई अभी हमें रियाल भेजने चाहिए, नहीं भेजने चाहिए, या मुमकिन कब तक भेज देने चाहिए। तो एक इंटरेस्टिंग किस्म की, मैं बोलता हूँ तो परदेशियों के लिए एक अच्छा मौका है, यकीन माने, किस चीज़ में इस वक्त इन्वेस्ट करें वहाँ सऊदी में रहते हुए। तो ये आपको उस वीडियो में आप अपडेट कर दूंगा। बाकी आप भाई मेरी वो 2-3 घंटे के बाद वो वीडियो आ जाएगी, वो वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसमें इंशाल्लाह डिटेल से बात कर लेंगे। बहरहाल एक चीज़ जो सामने आ रही है अभी, वो आलमी मार्केट में ना एक चीज़, उसमें ना रोज़ बरोज़ काफ़ी इजाफा हो रहा है, बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो वो है क्या आपको बता दूंगा मैं। तो इन्वेस्ट करते हैं उसमें, देखते हैं फिर। मेरे हिसाब से क्या, इंशाल्लाह ताला 100% यही है कि अच्छा मुनाफा होगा अच्छा खासा। बहरहाल जी, अगर रेट के मुतल बात करें तो आज का जो ओपन मार्केट का रेट रहा वो 73 रुपये 50 पैसे से लेकर 74 रुपये के अराउंड में है। अगर इससे कोई बंदा आपको कम बता रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, सीधी बात कर रहा हूँ मैं। मैं पाकिस्तान में दोस्त है, उससे पूछा, वो बोल रहा है 73-50 तो आम जो एजेंट बैठे हुए हैं वो दे रहे हैं। हाँ, इससे ज़ायद भी अगर मार्केट घूमेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अगर एक्सचेंज रेट की बात कर लें तो वो भाई 74 रुपये 24 पैसे आज का, मैं आपको साथ में शायद दिखा रहा हूँ मैं, इंडिया भाई 22 रुपये 27 पैसे है, बांग्लादेश टका 29 टके 23 पैसे। एंड यहाँ पर एक चीज़ और आप अपने जहन में रखिए करिए, क्योंकि हमारे बहुत से परदेसी भाई दुबई में बैठे हुए होते हैं, तो अमराती दरहम जो है जी वो 97 है। ये जी आप बोल रहे हैं कि 97 हलाले का एक रियाल, सॉरी एक एक रियाल बनेगा उनका, 3 हलाले का डिफरेंट है, और पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 से 2 रुपए महंगा है ये रियाल से दरहम। ये भी आपको क्लियर कर दूं मैं। अगर मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से भाई बात कर लें तो इनमें आज तहवीब राजीव बैंक का जो आज का रेट रहा वो 73 रुपये 26 पैसे रहा भाई, और 10, 17 और 23 रियाल इनकी फीस होती है। वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो इनका आज का रेट 73 रुपये 48 पैसे है भाई, और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर आप मनीग्राम से भाई भेजना चाहते हैं तो मनीग्राम का आज का रेट है 73 रुपये 28 पैसे, और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। टैली मनी यानी कि ANB बैंक की अगर बात करें तो भाई इनका आज का रेट 73 रुपये 25 पैसे रहा, और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर भाई आप STCPay से भेजना चाहते हैं, ईजिली भेज सकते हैं STCPay से। STCPay अपने मोबाइल में किया हुआ है, अपनी STC की सिम होनी चाहिए, उसी से आप लॉगिन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है भाई कि आप ईजिली यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, सऊदीया में, पाकिस्तान में भी भेज सकते हैं, इंडिया भेज सकते हैं इस STCPay से। आप घर बैठे यानी कि ईजी तरीके से रकम भेज भी सकते हैं, और रेट भी इनका अच्छा है। बहरहाल आज का STCPay का रेट आज का 73 रुपये 26 पैसे रहा, और 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। अगर फौरी बैंक, बैंक जजीरा की भी बात करें तो इनका आज का रेट 73 रुपये 50 पैसे, अच्छा रेट दे रहा है फौरी बैंक, बैंक जजीरा, इतना वैसे पाकिस्तान में आम एजेंट दे रहे हैं, और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस है। अगर आप इंजाज बैंक से भाई भेजना चाहते हैं तो इंजाज बैंक आज का जो रेट दे रहा है वो 73 रुपये 24 पैसे दे रहा है, और 10, 17 और 23 रियाल फीस है जी इनकी भी। और अगर हम बात कर लें भाई इसके बाद फ्रेंडी की, तो फ्रेंडी वाले आज का रेट 73 रुपये 36 पैसे, और अगर आप क्विक पे से सेंड करना चाहते हैं तो क्विक पे भाई आज का रेट 73 रुपये 44 पैसे, अच्छा रेट है, और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है।